नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन समस्या फ्रोजन शोल्डर के विषय में। आप सब जानते हैं और परिवार में कोई ना कोई हमारे बड़े बुजुर्ग इससे इफेक्टेड भी रहते हैं। फ्रोजन शोल्डर वह स्थिति होती है कि जब आपके जो कंधे होते हैं यह एक तरह से फ्रीज होने लगते हैं, इसका मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब ना ये पीछे जा पाते हैं, ना हाथ ऊपर जा पाता है, ना आगे आ पाता है। तो जब यह कंडीशन होती है, यही फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन होती है। हम आपको बताएंगे फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं और यह वास्तव से आपको सही कर देंगी। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर के समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो ये जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट होता है, यह तीन हड्डियों से बना होता है। एक तो यह आप जो देख रहे हैं उस ह्यूमरस, उसके अलावा यह कॉलर बोन और उसके अलावा ये स्कैपुला जो पीछे होती है, ये तीन हड्डियां मिलके यहाँ पर एक शोल्डर बोन बनाती हैं, जॉइंट बनाती हैं। और यह जो है एक कैप्सूल में इनकैप्सुलेटेड होता है जो कि चारों तरफ से वो टिश्यू सराउंड करता है। तो जब वहाँ टिशू में आपका स्कैरिंग हो जाती है, टिशू थिक हो जाता है, तो जो अंदर यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका स्पेस कम बचता है और आपका जॉइंट फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। वही कंडीशन जिसमें यह जॉइंट फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, उसी को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। यानी कि जो आपका कैप्सूल होता है जॉइंट का, वह इसको टाइटली बाइंड करने लगता है और उसमें स्कैरिंग के कारण लेस स्पेस बचता है और वही फ्रोजन शोल्डर की स्थिति होती है। फ्रोजन शोल्डर साथियों एक ऐसी समस्या है जो कि 2 से 3 साल में अपने आप ठीक भी हो जाती है। इसकी 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में आपका मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है, दूसरी स्टेज में आपका मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है और तीसरी जो रिजॉल्विंग स्टेज होती है उसमें जो है आपका मूवमेंट फ्री होने लगता है। लेकिन आप 2 से 3 साल कष्ट क्यों झेलें? इसके सिम्टम्स साथियों, ये मूव नहीं करता, यही इसके सिम्टम्स होते हैं। कॉज हमने आपको बता दिया कि जब यहाँ पर ये जो टिश्यू होता है, जो कैप्सूल होता है, इसको एडिसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। वह जो कैप्सूल होता है पूरा जो बांधे रखता है जोड़ को, जब उसमें स्कैरिंग ऑफ टिश्यू के कारण वो कैप्सूल की थिकनिंग हो जाती है और साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है तो यह जाम हो जाता है। तो वही कारण होता है फ्रोजन शोल्डर का। हमने आमतौर पर क्लिनिक एक्सपीरियंस पे देखा है डायबिटीज़ के जितने पेशेंट आते हैं उसमें 70% पेशेंट्स को यह फ्रोजन शोल्डर की शिकायत होती है, ऐसा हमने अपने क्लिनिक के तजुर्बे में देखा है। लेकिन अगर आपको यह समस्या है तो कोई बात नहीं, उसका उपाय भी है। हम आपको बताएंगे होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं जो आपके फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर देंगी। लेकिन दवाएं बताने से पहले साथियों ये हम कहना चाहेंगे, यह दवाएं आपके जानकारी के लिए हैं, क्योंकि किसी भी फिजियोलॉजी के बहुत से कारण हो सकते हैं तो वह आपका डॉक्टर ही उसको सही डिटरमिन कर पाएगा। यह आपकी जानकारी के लिए दवाएं हैं। कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे आप ना लें। साथियों, फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की नंबर एक दवा होम्योपैथी में रस्टॉक्स है। अगर आपका शोल्डर में स्टिफनेस आ गई है, ठीक से हाथ मूव नहीं कर पा रहा है और आप तकलीफ में हैं, तो रस्टॉक्स आपके लिए बहुत अच्छी दवा है। उस स्थिति में कि जब आपको थोड़ा हाथ के मूवमेंट से और सिकाई से आराम मिलता हो, अगर आपको थोड़ा सा जब आप मूव करते हैं, रस्टॉक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जब पेशेंट रिमूव करता है, चाहे वो घुटना हो, चाहे वो उंगली हो, चाहे वो कलाई, कुछ भी वो मूव करता है तो उसको आराम मिलता है। तो अगर यह कंडीशन आप में है और आपके फ्रोजन शोल्डर है तो रस्टॉक्स 1 mg पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप लेते रहें कुछ वक्त तक। आपको पेन में भी आराम मिलेगा, आपका मूवमेंट भी खुलेगा और आपका जो यहाँ पे एडेसिव कैप्सुलाइटिस या जो कैप्सूल है यह बहुत सख्त हो गया है, यह भी ठीक हो जाएगा। एक कंडीशन साथियों आती है फ्रोजन शोल्डर में जो अक्सर आपने कभी एक्सपीरियंस किया, रात भर कंधों में दर्द रहा और सुबह दर्द खत्म हो गया। तो अगर यह कंडीशन आपको फ्रोजन शोल्डर की स्थिति में है कि कंधे में रात भर दर्द रहा और सुबह सही हो गया, तो इस स्थिति में फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा मिजेरियम है। आप मिजेरियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो रात का दर्द है फ्रोजन शोल्डर का, यह भी खत्म हो गया और आप पूरी तरह ठीक हो गए।
फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि आपका राइट कंधा जाम हो गया हो। अगर आपका राइट साइड फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आपका कंधा जाम हो गया है, तो उसको होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा सैंगुनेरिया कैंडेंसिस है। आप सैंगुनेरिया कैंडेंसिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके राइट कंधा जाम हो रहा हो और आपको रात में तकलीफें बढ़ रही हों, रात में आपका पेन बढ़ रहा हो। उस स्थिति में आपको फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की होम्योपैथी में नंबर एक दवा है सैंगुनेरिया कैंडेंसिस। अगर साथियों आपके लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है और लेफ्ट शोल्डर आपका जाम हो गया, जो कि लेस कॉमन है राइट शोल्डर से, क्योंकि हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रेन आता है, लेकिन अगर आपका लेफ्ट शोल्डर जाम हो रहा है तो इसकी भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है फेरम मिटालिकम। फेरम मिटालिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको ये फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ आपको भारीपन लग रहा हो, आप में अनिमिक हो, आप में अक्सर खून की कमी रहती हो और आपके कुछ भी उठाने में एक भारीपन का एहसास हो रहा हो और गर्म सिकाई करने से आपको आराम मिल रहा हो, अगर यह स्थिति आप में हो तो आपके लेफ्ट साइडेड फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा फेरम मिटालिकम है। इसका 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके आप अपने कष्ट का निवारण कर सकते हैं। एक कंडीशन साथियों आती है फ्रोजन शोल्डर में जो अक्सर आपने कभी एक्सपीरियंस की, रात भर कंधों में दर्द रहा और सुबह दर्द खत्म हो गया। तो अगर यह कंडीशन आपको फ्रोजन शोल्डर की स्थिति में है कि कंधे में रात भर दर्द रहा और सुबह सही हो गया, तो इस स्थिति में फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा मिज़ेरियम है। आप मिज़ेरियम 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जो रात का दर्द है फ्रोजन शोल्डर का, यह भी ख़त्म हो गया और आप पूरी तरह ठीक हो गए। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि आपको इसके हाथ के मूवमेंट से तकलीफ बढ़ रही है। एक हमने आपको बताया हाथ के मूवमेंट से आराम मिला, लेकिन अगर हाथ के मूवमेंट से आपके कंधे में तकलीफ बढ़ रही है, एग्जर्शन से तकलीफ बढ़ रही है, तो आपको होम्योपैथी में इस सिम्टम को ठीक करने की और फ्रोजन शोल्डर को ख़त्म करने की सबसे कारगर दवा है ब्रायनिया एल्बा। आप ब्रायनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका कंधा भी फ्री हो गया और आपका जो एग्जर्शन यानी काम करने पे इस कंधे में दर्द बढ़ने वाली कैफियत है वह ख़त्म हो गई और आप बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर साथियों कंडीशन आती है फ्रोजन शोल्डर में कि आपके यहाँ फ्रोजन शोल्डर भी हो रहा है और आपके स्पाइन में भी पेन हो रहा है। अगर यह कंडीशन आप में है फ्रोजन शोल्डर में, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है जलसीमियम। जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में फ्रोजन शोल्डर की ले सकते हैं जब आपके प्यास ना लगती हो, आपके स्पाइन से पेन आता हो, आपके पूरे शरीर में दर्द, कमजोरी, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस रहती हो और आपको फ्रोजन शोल्डर हो, उस स्थिति में जलसीमियम 30 निश्चित रूप से आपको आराम देकर आपके फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर देगी। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि जब आपने कंधे को ऊपर उठाया, हाथ को ऊपर उठाया, हाथ को ऊपर उठाने पे आपके कंधे में पेन होने लगा। अगर यह कंडीशन आप में हो रही हो कि आप जब आर्म को लिफ्ट करते हैं अपवर्ड्स ऊपर की तरफ तो आपके पेन होता है, तो होम्योपैथी में उस सिम्टम को ठीक करने की और फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की सबसे कारगर दवा लीडम पास्चर है। आप लीडम पास्चर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपके जो चुभन हो रही है कंधे पे, गड़न सी हो रही है, वह भी ख़त्म हो गई और हाथ ऊपर करने पे आपका पेन ख़त्म होने लगा और लाइकवाइज आपका फ्रोजन शोल्डर की मर्ज भी ख़त्म होने लगा। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपके दोनों तरफ के शोल्डर फ्रीज हो रहे हों और आपके पेन कभी इधर कभी इधर, मतलब वो वेंडर कर रहा हो, कभी राइट साइड हो रहा है शोल्डर में, कभी लेफ्ट साइड हो रहा है, तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिमिसिफ्यूगा। आप सिमिसिफ्यूगा 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। जब आपके दोनों शोल्डर्स में पेन हो, वह फ्रीज हो रहे हो, फ्रोजन शोल्डर हो, आपकी नेक मसल्स में पेन हो और पेन इधर से उधर ट्रैवल कर रहा हो, कभी यहाँ कभी यहाँ, यह कंडीशन अगर आप में है तो इसकी दवा होम्योपैथी में सिमिसिफ्यूगा है। एक कंडीशन साथियों आती है फ्रोजन शोल्डर में कि मौसम बदला तो दर्द होने लगा,
यह बड़ी कॉमन कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो अगर मौसम बदलने पे आपके पेंस कंधे में बढ़ रहे हों तो उस सिम्टम में फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की होम्योपैथी में सबसे कारगर दवा कैल्केरिया फॉस है। आप कैल्केरिया फॉस 6x पावर की 4 टेबलेट सुबह, 4 शाम, 4 दोपहर, 4 रात, यानी सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह आप 4 बार कैल्केरिया फॉस 6x पावर में ले लें। आप देखेंगे कि आपका या जो चेंज ऑफ वेदर में पेन हो रहा है या ख़त्म होने लगा और आप ठीक होने लगे। एक कंडीशन आती है साथियों, जब बहुत बदली हुई, थंडर स्टॉर्म हुआ, बहुत बदली वाला मौसम हो गया तो पेन बढ़ गया। अगर वह कंडीशन आप में हो तो उस कंडीशन में होम्योपैथी में फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की बहुत कारगर दवा रोडोडेंड्रॉन है। आप रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके, वह वर्स्ट कंडीशन जो हमारे भाई साथी ऐसी जगह रहते हैं समुंदर किनारे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदली छाती है, बिजली चमकती है, बादल रहते हैं, तो वहाँ पे उनकी कारगर दवा फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की रोडोडेंड्रॉन है। फिर एक स्थिति आती है साथियों फ्रोजन शोल्डर में कि जब मरीज को अचानक दर्द उठा और अचानक चला गया और एक बड़ा अजीबोगरीब सिम्टम हुआ कि उसको लगा कि चलने पे उसकी तकलीफ़ बढ़ेगी लेकिन वो तकलीफ़ बढ़ी नहीं। अगर इस तरह का पिकुलर सिम्टम आपने है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कार्बोलिक एसिड है। आप कार्बोलिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका यह सिम्टम जो अजीबोगरीब सिम्टम है कि आपको लगा कि आप चल रहे हैं, तकलीफ़ बढ़ रही है, लेकिन आप चले और तकलीफ़ नहीं बढ़ी, यह सिम्टम आप में रहे तो कार्बोलिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने पर यह सिम्टम और फ्रोजन शोल्डर दोनों बातें आपकी ठीक हो जाएंगी। फिर एक कंडीशन आती है साथियों फ्रोजन शोल्डर में कि आपके बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा और पेनफुल है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आप में पाई जा रही है फ्रोजन शोल्डर में, कंधे के जोड़ में, शोल्डर जॉइंट में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा, उस स्टिफनेस को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा ग्वाइकम है। आप ग्वाइकम का मदर टिंचर 10 बूंद 4 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो स्टिफनेस है धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक होने लगा। एक कंडीशन आती है साथियों फ्रोजन शोल्डर में कि बहुत रेतने काटने वाला दर्द हो रहा है, जैसे फट जाएगा, लग रहा है कंधा गिरा जा रहा है, फट जाएगा बिल्कुल। अगर वह सेंसेशन आपके दिमाग में भावना आ रही है तो उस भावना के तहत होम्योपैथी में फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की सबसे कारगर दवा है लाइकोपोडियम। आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका फ्रोजन शोल्डर ख़त्म होने लगा और जो रेतने काटने वाला दर्द है वह ख़त्म होने लगा और आपके पेट में जो कब्ज़ रहती होगी, भारीपन रहता होगा, साथ में वह भी ठीक हो जाएगा क्योंकि वह भी लाइकोपोडियम की दवा का एक सिम्टम है। एक साथियों थोड़ी रेयर कंडीशन है लेकिन किसी को हो सकती है कि आपको हार्ट का रूमेटिकज़म हो रहा है, यानी रूमेटिक हार्ट आपका हो रहा है और साथ में आपके फ्रोजन शोल्डर है। अगर यह कंडीशन आप में हो कि आपको सीने में कसाव महसूस होता हो, एक लगता है टाइट बैंड चेस्ट के अक्रॉस है और आज साथ में आपको फ्रोजन शोल्डर है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैक्टस ग्रैंडिफोलियस। कैक्टस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको रूमेटिज्म ऑफ हार्ट हो, साथ में आपको फ्रोजन शोल्डर हो। ये थोड़ा रेयर है लेकिन साथियों अगर तकलीफ है, पता नहीं किसको या सिम्टम हो और आपके हमारी ये बात काम आ जाए, इसलिए हम थोड़ा रेयर सिम्टम भी आपको बताए दे रहे हैं। फिर एक कंडीशन आती है साथियों फ्रोजन शोल्डर में कि बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, लग रहा है टनों वजन इस कंधे पर रखा है या इस कंधे पर, जिस पर भी आपको फ्रोजन शोल्डर है, तो वह भी एक स्थिति है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। उस परेशानी का भी हल है सल्फर। आप सल्फर 1 mg पावर की 3 खुराक सुबह तड़के 6 बजे 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं हर हफ्ते। जब आपके कंधों में भारीपन बहुत हो, आपको मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता हो, आपको नहाने की आदत ना हो और आपको रात में देर तक जागते हो और सुबह आप सोते हो, अगर यह कंडीशन आप में है तो सल्फर आपकी दवा है। यह दवा का 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली कुछ वक्त तक करने पर इस दिक्कत से, यानी फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत से आपको निकाल देगी। एक कंडीशन साथियों आती है फ्रोजन शोल्डर में कि आपको सांस ले रहे हैं तो कंधे में दर्द हो रहा है। अगर यह स्थिति आपको होती है साथियों कि आप जब ब्रीथ करते हैं उस समय आपको कंधे में दर्द होता है, इंस्पायरेशन में दर्द होता है, सांस अंदर लेने में दर्द होता है,
तो इस कंडीशन को होम्योपैथी में फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने की और आपके उस पेन दर्दनाक पेन को रिलीफ करने की दवा है अमोनियम म्यूर। आप अमोनियम म्यूराटिकम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका अगर इंस्पायरेशन यानी सांस लेने तक में दर्द कंधे में हो रहा है, इतना दर्द है, तो वहाँ ठीक हो गया और आपका फ्रोजन शोल्डर भी ठीक होने लगा। एक कंडीशन आती है साथियों फ्रोजन शोल्डर में कि आपको गाउट के साथ फ्रोजन शोल्डर हो रहा है। गाउट यानी कि जहाँ पे प्रोटीन का डिपोजिशन ये स्मॉल जॉइंट्स में आपके होता है और ये उभरे खासतौर से ग्रेट टो पैर का और हाथ का, जब इसमें सूजन आ जाती है तो इसको गाउट कहते हैं, बाहर निकला हुआ होता है। तो अगर गाउट की स्थिति है और साथ में आपको फ्रोजन शोल्डर है तो होम्योपैथी में उस सिम्टम को और गाउट को दोनों को एक साथ ठीक करने की दवा है और दवा का नाम है एपोसाइनम। एपोसाइनम वो दवा है जो आपके फ्रोजन शोल्डर को भी ख़त्म कर देगी, आपके गाउट को भी ठीक कर देगी, स्पेशली जो आपके राइट साइड फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है। एपोसाइनम राइट साइड बहुत अच्छा काम करती है, तो अगर राइट साइडेड कंप्लेंट्स हैं आपके तो आपको गाउट और फ्रोजन शोल्डर दोनों को साथ ठीक करने की दवा एपोसाइनम है। ये साथियों कुछ दवाएं थी फ्रोजन शोल्डर के विषय में जो कि वास्तव में बहुत कॉमन दिक्कत है, बहुत लोगों को होती है। हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि जिनको आर्थराइटिस होती है उनको अक्सर फ्रोजन शोल्डर होता है। इन दवाओं से आप लाभ पा सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि किसी कुशल चिकित्सक से पूछ के ही दवा लें। पता नहीं आप पे कौन सा क्या सिम्टम हो जो उन पे ना हो, और कभी जो हमने दवाएं बताई हैं इसे चिकित्सक पे विवाद ना करें, क्योंकि आपके सिम्टम के हिसाब से हो सकता है दवा भिन्न हो, वो डॉक्टर भी आपको सही दवा दे रहा होगा जो आपके लिए ठीक होगी, क्योंकि कोई डॉक्टर किसी मरीज का बुरा नहीं चाहता है। अगर साथियों आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। थोड़े वक्त में ही सही, लेकिन आपको कोशिश करूंगा कि उसका संतोषजनक जवाब दे पाऊँ। अगर आपको यह कार्यक्रम साथियों पसंद आया हो तो हर बार की तरह आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच पाए, और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाकर क्लिक करके आप नया से नया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए और समाज में अच्छी बात को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। Thank you.